बिजनेस स्टडी में आपका स्टार्टिंग से मैं एक बार पूरा रिवाइंड करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसमें। तो स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे हम क्या है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स की हिस्ट्री में आपका पहले के टाइम पे हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा स्टार्टिंग में मोटो था। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा ऑप्शन आया, इसमें हमारे जो एंशियंट टाइम में किंग्स थे वो क्या करते थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन और टोकन, इनके थ्रू ये आपका पेमेंट स्टार्ट करने लगे। ठीक है, यानी कि आपके सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और आपके ये कॉइन्स के थ्रू आपकी वैल्यूएशन होती थी, क्योंकि पहले जो इजी नहीं होता था कि गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सचेंज में कर लेते थे। यानी किसी को एक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक आपको बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग कराना है, तो उसमें मैंने बताया था कि उसको एक दूसरे में एक्सचेंज के लिए उसने क्या कहा था, उसको पॉट्स देने के लिए कहा था वर्कर्स को, तो वर्कर्स खुश हो गए थे क्योंकि एक्सचेंज में गुड्स उनको मिल रहा था। तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स इस टाइप से होता था। तो यहाँ पे वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि सब वर्कर अच्छे से काम नहीं करते थे, लेकिन प्रोटेक्ट आपको सबको ही मिल रहा था उसमें, तो उसकी वजह से आपका ये गोल्ड सिल्वर और टोकेंस ये कॉइन्स स्टार्ट हुए। देन आफ्टर इसके बाद आपका स्टार्ट हुआ जो आपके मेजर ब्रेक्स थे, मेजर ब्रेक्स में आपके जो ब्रेक्स थे वो कौन कौन से थे, इसमें आपका फर्स्ट था मेजर ब्रेक में इंडिजिनियस इंडिजिनियस आपका बैंकिंग सिस्टम, ये क्या थे मेजर ब्रेक्स, मतलब जो हम स्टार्टिंग में हमारा जो बिजनेस था वो आसानी से रन करा लेते थे, लेकिन उनके बाद कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आई, यानी कि एक तरह से ब्रेकर्स आए। तो पहला ब्रेकर जो था वो था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या था, आपको जब कैश नहीं होता था बहुत से लोगों के पास, तो उस कंडीशन में आपको बैंकिंग सिस्टम का यूज करके, यानी कि जो पर्सनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, प्राइवेट फर्म होती थी ये, तो ये आपको जो लोन प्रोवाइड कराती थी और इन लोन में आपको जो अच्छी खासी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था इनका हाई था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था। तो इसके अलावा ये फर्स्ट इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, ये सबसे पहला ब्रेकर था। नेक्स्ट था आपका राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, राइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज क्या है, क्या उसमें फिर आपके और भी जो प्रॉब्लम्स आने लगी उन सबको भी शॉर्ट आउट किया गया। जैसे आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता था तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपकी आ गई। उसके अलावा आपका जो बीच में और भी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे फाइनेंशियल कंपनी आने लगी, फाइनेंशियल कंपनी क्या थी, जो फाइनेंशियली आपको हेल्प करने के लिए आगे आने लगी। उसके अलावा जो आपका मैंने अभी बताया म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां होने लगी वो क्या इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको और टर्नओवर बढ़ाने लगी। ठीक है, ये था आपका दूसरे टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था ट्रांसपोर्ट। तो जो आपका पहले स्टार्टिंग था वो सिंपली एक आपका जगह पे था, एक लोकेशन पे था, अब उस लोकेशन के थ्रू हम दूसरी लोकेशन पे भी उसको अगर गुड्स को सेल करना है, तो उसमें हमारा ये ट्रांसपोर्ट मेन पार्ट आया था। इसमें आपके ट्रांसपोर्ट में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और आपका बाय एयर ट्रांसपोर्ट और आपका
केबल या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर आपको वाटर की बात करें तो केबल या पाइपलाइन, पाइपलाइन से आपको वाटर और केबल से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कराते थे, ठीक है। उसके अलावा आपका स्पेस, स्पेस में भी आपका ये ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता था। तो ये आपके जो है स्टार्टिंग से और यहाँ तक जो आपके मेन ब्रेक्स हैं, मेन ब्रेक्स में आपका फोर्थ ब्रेक्स अब हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद हमारा था ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी ये क्या करती थी, इसमें आपके और जो मीडिएटर आ गए, मीडिएटर में पहले हम बिजनेस क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। अब यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरर के बाद और मीडिएटर इसमें जुड़ गए, एक तो आपका एजेंट जुड़ गया, एजेंट के बाद आपका जो सबसे मेन स्टेट वाइज रहता था वो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आपका एक सिटी में आपका होलसेलर, यानी कि वो पूरे सिटी में जितने भी आपके गुड्स सेल होंगे वो सब होलसेलर के पास पहुंचेगा सबसे पहले गुड्स, उसके बाद फिर वो गुड्स देगा रिटेलर को, यानी अलग अलग शॉप पे, और फिर वो शॉप से आपको रिटेलर देगा कस्टमर को, और कस्टमर से वो गुड्स पहुंचता है कंज्यूमर तक, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इन्होंने चेन स्केल कर दिया, तो ये आपका फोर्थ एक बैरियर है या एक कह सकते हैं एक ब्रेक है। और इसमें लास्ट आपका फिफ्थ ब्रेक था मर्चेंट कॉरपोरेशन, मर्चेंट कॉरपोरेशन। यहां से अब मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं, ये वाला लास्ट टॉपिक क्या ही आता है इसमें, तो मर्चेंट कॉरपोरेशन से स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट कॉर्पोरेटर्स, ठीक है। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या थे, जो आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी प्रोवाइड कराते थे। फाइनेंशियल कैसे, एक आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या उसको उसके पास स्किल्स है, उसको आता है कि मतलब किस तरह से बिजनेस करना है और क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, वो सारी चीजें उन चीजों को जानता है, लेकिन उसके पास मनी पावर नहीं है। तो वहाँ पे आपका क्या है, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस थी जो क्या है फाइनेंस प्रोवाइड कराती थी, और फाइनेंस के बदले में आपसे क्या है एक लिमिटेशन के थ्रू आपका 50% और 60% उनका प्रॉफिट अर्निंग हो जाता था, बाकी का रिमेन आपका पोर्शन होता था। तो इस टाइप से ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन वर्क करती थी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स क्या है आपके, इंडिया वाज मोर क्लोजली लिंक्ड लिंक टू द वर्ल्ड्स मार्केट स्पेशली टू द European markets where a commercial v
where a commercial revolution was taking place. ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेड सेंटर्स जो थे आपके, इंडिया वाज मोर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ल्ड्स मार्केट, वर्ल्ड्स की मार्केट से हम लिंक थे, ठीक है, स्पेशली यूरोपियन मार्केट से हम टच में थे, वेयर एज द कमर्शियल रिवॉल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस. तो इस तरह से हमारा क्या है, आपका ट्रेड सेंटर्स बन गए जो आपके एक्सचेंज करते थे, यानी कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड या फिर आप कह सकते हैं शेयर और डिवेंचर वगैरह जो हम यूज करते हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब इनमें आपके नेक्स्ट है, इसमें दो टॉपिक इनके जो पार्टीशन थे, इसमें फर्स्ट था आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, और दूसरा था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एटसेट्रा. ठीक है, ये दो थे, यानी कि अगर आपका इंडिया का जो भी जितनी भी कंपनियां हैं उन सब का ट्रेड, यानी कि आपका जो शेयर खरीदना या बेचना या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो आपका इंडिया का इंटरनेशनल हो गया, और एक आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी कि आप इन फॉरेन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ये स्टेक्सेस में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपकी कौन कौन सी चीजें होती हैं. तो इंडियाज टॉप थ्री इंपोर्ट, कौन कौन से हैं? पहला है आपका पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ये इंडिया's टॉप थ्री इंपोर्ट्स है, यानी जो हम बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड ऑयल आता है उससे फिर रिफाइन होके आपका डीजल और पेट्रोल, और गोल्ड और सिल्वर बाहर से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आता है. नेक्स्ट है आपका इंडिया's टॉप थ्री एक्सपोर्ट, टॉप थ्री एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गेम्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, और आपका
फार्मर ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके इंडिया थ्री मोस्ट आपके एक्सपोर्ट है। इसमें आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बाहर बेचते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड फार्मा प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आगे आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका पोजीशन ऑफ इंडिया, पोजीशन ऑफ इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारी पोजीशन क्या है इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो इसमें आपके पॉइंट्स में है कुछ, फर्स्ट पॉइंट है इसमें द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ए डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। जो आपकी इंडिया की इकोनॉमी है वो आपके डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, इट इज द वर्ल्ड सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी by nominal GDP and the third largest third largest by purchasing power party। ठीक है, यानी कि ये क्या है वर्ड्स में हमारा सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी और नॉमिनल जीडीपी यानी जीडीपी के अकॉर्डिंग एंड द थर्ड लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर प्रोडक्टिविटी। यानी कि हम खरीदने में पीछे नहीं है, थर्ड नंबर पे आते हैं इंडिया वाले। नेक्स्ट इसी में एक और पॉइंट, इंडिया टॉप्ड द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक्स ग्रोथ आउटलुक फॉर द फर्स्ट time in for the first time in
फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ड्यूरिंग विच द During which the economy grew economy grew 7.6%, यानी कि अब इन टॉप इंडिया टॉप द वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ में हमने टॉप किया था. आउटलुक फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार फाइनेंशियल ईयर था आपका 2015 और 16 ड्यूरिंग विच द इकोनॉमी ग्रो 7.6% 7.6% आपकी जो इकोनॉमी है जीडीपी है उस टाइम पे ग्रो की थी. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक पोजीशन ऑफ इंडिया हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारी पोजीशन क्या है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका India has one of the fastest growing service sector in the world with 9% since 2001. ठीक है, इंडिया इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इंडिया इन द वर्ल्ड में, और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट एवर 9% यानी 9% से ज्यादा स्टार्ट हुई थी 2012 से. सेकेंड है इसमें द एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द लार्जेस्ट employer in India's
एम्प्लॉयर्स इन इंडिया इकोनॉमी India's economy, but contributes to a declining share of its GDP its GDP 17% in 2013 or 14. ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, बट द कंट्रीब्यूट टू ए डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ इट्स जीडीपी 17% इन 2013 और 14 में. यहाँ पे आपका क्या है, डिक्लाइनिंग में चला गया था, यानी कम होता हुआ चला गया था 2013 और 14 में 17%. बाकी आपका ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. इसी में आपका नेक्स्ट एक और टॉपिक थर्ड देखते हैं, द इंडस्ट्री सेक्टर हैज हील्ड ए steady share of its economic contribution contribution 26% of 2013-14. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो था has yield on steady share, यानी कि उसका भी जो आपका पार्ट्स है ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में वो आपका 2013-14 में 26% था. ठीक है, ये आपके इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी में. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद. नेक्स्ट है आपका बिजनेस. बिजनेस की डिफाइन लेते हैं यहां से, उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक और आपका फिर आगे स्टार्ट होगा. तो बिजनेस की डिफाइन है हाँ, तो बिजनेस में आपका बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स
प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और से ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट ठीक है। बिजनेस क्या है आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि आप पैसे से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो इन्वॉल्व होते हैं वो है आपका प्रोडक्शन यानी कोई भी आप नया जो है वो मटेरियल बना रहे हैं कोई भी नई रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके एक नई चीज बना रहे हैं दैट्स प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरर यानी बना बनाया और उसको हम सेल कर रहे हैं दैट्स बिजनेस ठीक है। और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं एक गुड्स ले रहे हैं और दूसरा गुड्स उसको दे रहे हैं तो ये क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मींस पैसे कमाने के लिए लेकिन इसमें आपके बिजनेस में जो भी अगर हम एक टर्न करते हैं कि अगर मैंने क्या किया प्रोडक्शन कर लिया एक बार और प्रोडक्शन करने के लिए उसको मैंने फिर उसके बाद बंद कर दिया वो सेल आउट करके काम करा तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस आपका एक कंटिन्यूस रनिंग में होता है आपका बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब कहा जाएगा जब आप उसे कंटिन्यूसली रनिंग में लगे हुए हैं तब आपका वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा ठीक है। अब इसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं बिजनेस के बाद आपके एक्टिविटी हैं ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी में ये टॉपिक्स ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके मैं नोट करा देता हूँ ह्यूमन एक्टिविटी और आपका इसमें टाइप्स दो होते हैं तो ये आपको ह्यूमन एक्टिविटी और इसमें नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दोनों आपको पहले से रीड करके रखनी है। तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एक है आपका और दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी प्लस ह्यूमन एक्टिविटी ये तीनों डिफाइन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक आप इसको एक बार पढ़ लीजिए ठीक है।